दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डीडी फ्री डिश में सैटेलाइट और फ्रीक्वेंसी, यानी जो सैटेलाइट है, अगर आप नया सेटअप बॉक्स लेके आते हैं, चैनल सर्च नहीं हो पाते हैं, या फिर आपके पास कोई पुराना सेटअप बॉक्स पड़ा है उसमें आप सैटेलाइट और फ्रीक्वेंसी वापस से ऐड करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लेके चलेंगे, वहां पर आपको सारी बातें डिटेल में समझाएंगे और स्टेप बाय स्टेप अगर हमारे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हैं तो गारंटी मानिए दोस्तों, आप सैटेलाइट आसानी से ऐड कर सकते हैं और वो सारे चैनल्स आप सर्च कर सकते हैं जो अभी तक आपके बॉक्स में मिसिंग थे, यानी आपके सेटअप बॉक्स में मिसिंग थे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एकदम सरल और आसान शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्वेंसी और सैटेलाइट, ये दोनों आप कैसे ऐड करके चैनल सर्च कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। तो दोस्तों आ गए हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल्ड है पहले से ये सेटअप बॉक्स और इसमें फ्रीक्वेंसी एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने सेटअप बॉक्स में कुछ चैनल्स कम आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी फिर से एडिट करें या नया ट्रांसपोंडर लिस्ट एडिट करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं दोस्तों कि जो सैटेलाइट आपको दिख रही है सामने स्क्रीन पर, जो सैटेलाइट लिस्ट दिख रही है, इस सैटेलाइट लिस्ट को हम कर देंगे डिलीट और उसके बाद आपको बताएंगे कि वापस से सैटेलाइट लिस्ट अगर कोई आप एडिट करना चाहते हैं या सेटअप बॉक्स में कोई फ्रीक्वेंसी एडिट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आप देखें ध्यान से, जो नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं जैसे ऐड का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है और स्कैन का ऑप्शन है, ये रिमोट के एक्चुअली में बटन्स के सिंबल्स बने हुए हैं। इन बटन्स के सिंबल्स का यूज़ करके ही आप काम कर पाएंगे क्योंकि इंटरफेस बहुत ही लिमिटेड होता है किसी भी सेटअप बॉक्स में डीडी फ्री डिश के। तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे डिलीट का बटन, यानी कि येलो बटन रिमोट में हम प्रेस करेंगे और जैसे ही आप येलो बटन प्रेस करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा। डिलीट ऑल करना है आपको, एक ही सैटेलाइट हमारे पास है तो हम इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और डिलीट ऑल करने के लिए आपको अपने रिमोट में प्रेस करना है ब्लू बटन। अब दोस्तों ये ब्लू बटन प्रेस करते ही आपके पास आप देख सकते हैं 93.5 सैटेलाइट 11 के आगे सिंबल बन के आ गया है। अब इसको कर देना है आपको ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये आपका सेलेक्ट हो जाता है और सेलेक्ट होने के बाद आपका वापस से आप देखें डिलीट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है येलो बटन का। तो रिमोट में येलो बटन जहाँ भी हो आपके रिमोट में उसको आपको कर देना है प्रेस, तो वो हो जाएगा आपका डिलीट। अब यहाँ देखें डिलीट का ऑप्शन आ गया है, आपको कर देना है यस और कर देना है रिमोट से ओके। अब देख लें आपका जो भी सैटेलाइट था, जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सैटेलाइट था, जो मैंने सैटेलाइट एडिट किया था, वो अब डिलीट हो चुका है। अगर अब हम चैनल सर्च करने की कोशिश करेंगे, देख सकते हैं जैसे ही डिलीट हुआ है सैटेलाइट, आपके सेटअप बॉक्स से सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन जैसे ही चले गए, सिग्नल इंटेंसिटी हो गई 60% की और सिग्नल क्वालिटी हो गया 0, यानी अगर अभी आप सर्च करने के लिए ट्राई करेंगे तो सर्च काम नहीं करेगा। चलिए हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो हमने प्रेस कर दिया मेन्यू बटन रिमोट से और मेन्यू बटन के बाद वापस से हम प्रेस करते हैं मेन्यू बटन। जैसे ही मेन्यू बटन प्रेस करते हैं ये आप एरिया जो आपका इंस्टॉलेशन का सेटअप बॉक्स इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, जैसे ही आप प्रेस करते हैं मेन्यू बटन तो आपको ऑप्शन दिखेगा नो प्रोग्राम, ओके कर दें आप। अब आप ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ से आपका काम शुरू होता है जो चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। अभी आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है इंस्टॉलेशन में ही। तो आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके मिल रहे हैं, आपको आपके सेटअप बॉक्स के हिसाब से इंटरफेस मिलेगा। मेरे एक वीडियो में किसी यूज़र ने पूछा था कि ट्रांसपोंडर एडिट कैसे करते हैं वो बताएं, तो ट्रांसपोंडर एडिट करने के लिए हर सेटअप बॉक्स में अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन उनका जो इंटरफेस भले ही अलग हो लेकिन इंस्टॉलेशन के मेन्यू, सेटिंग्स के मेन्यू, ये सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो आपको अपने सेटअप बॉक्स में चले जाना है इंस्टॉलेशन में। जैसे आप इंस्टॉलेशन मेन्यू में जाएंगे आपको सैटेलाइट लिस्ट दिखेगी, सैटेलाइट लिस्ट पर आपको कर देना है ओके। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो नीचे के चार
रिमोट बटन्स वहाँ सामने आपको दिख रहे हैं, यानी ऐड, एडिट, डिलीट और स्कैन। तो ऐड करने के लिए आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, जो स्टेटस बता रहा है, उसमें यही बता रहा है कि ऐड पे आपको कर देना है। ओके, यानी कि रिमोट पर प्रेस करना है आपको ऐड बटन, यानी रेड वाला बटन। तो हम रेड वाला बटन यहाँ पर प्रेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप रेड वाला बटन प्रेस करेंगे, आपको वापस रिमोट में ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते ही आपको कीबोर्ड मेन्यू खुल जाएगा, ताकि आप टाइप कर सकें, क्योंकि रिमोट में टाइप करना, रिमोट से टाइप करना थोड़ा मुश्किल है, लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ आपको ओके प्रेस करके कीबोर्ड सेटअप ओपन कर लेना है। यहाँ पे अपने सैटेलाइट का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं जी सैट। तो जी सैट के लिए हमने यहाँ पर जी ले लिया, और इसके बाद एस, ए और टी। जी सैट लिख के हम कर दे रहे हैं ओके, यानी सेलेक्ट करने के लिए आपको करना है ओके। अब यहाँ वापस से आप देखें, डिलीट, सेव पेज और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ आपको करना है सेव। तो सेव करने के लिए येलो बटन वापस से आप प्रेस कर दें रिमोट में। हमने कर दिया येलो बटन प्रेस और ये हो गया सेव। अब लॉन्गिट्यूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको जो सैटेलाइट ऐड करना है वो है 93.5 ईस्ट, यानी लॉन्गिट्यूड 93.5 ईस्ट ऐड करना है। यहाँ पर आपको वापस से कन्फर्म करने के लिए येलो बटन प्रेस करना है। तो सबसे पहले आप ऐड कर लें दोस्तों। तो वापस से आप ओके बटन दबाएंगे और यहाँ आप ले लेंगे रिमोट से ही 9, फिर 3, 9 के बाद आप ले लेंगे 3 और फिर 5। इसके बाद आप कन्फर्म करना चाहते हैं तो आपको रिमोट में करना पड़ेगा येलो बटन पर ओके, और हो जाएगा ये आपका कन्फर्म। तो आप देख सकते हैं 93.5 लॉन्गिट्यूड ईस्ट सैटेलाइट ऐड हो गया है। अब आपके पास ऑप्शंस ये कि आप वापस दाहिने तरफ देखें, जहाँ जी सेट नाम का सैटेलाइट जो आपने अभी एडिट किया वो बन के आ रहा है। अब वापस आपको एडिट करनी है LNB फ्रिक्वेंसी। तो आप रिमोट में जो ओके बटन के आसपास बटन होते हैं, उसे राइट बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर LNB फ्रिक्वेंसी में ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप ड्रैग करते हुए नीचे आ जाएंगे दोस्तों। जो फ्रिक्वेंसी में बता रहा हूँ आपको वही लेना है। आपको यहाँ से ले लेना है यूनिवर्सल 9750 10600 और कर देना है ओके। और भी सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन आपको लेना है यही वाली फ्रीक्वेंसी। अब इसको कर दें आप ओके। ये फ्रीक्वेंसी पे सर्च कर सकते हैं आप, देखते हैं सिग्नल आता है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको डिसेबल ही रखना है, इसको भी आपको डिसेबल रखना है और ये भी डिसेबल ही रहेगा। LNB पावर में आपको रखना है ऑटो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, आपको यहाँ पर रखना है ऑटो। अब यहाँ पे दोस्तों हम कर लेते हैं स्कैन, और स्कैन करने के लिए आपको वापस से अपने रिमोट में प्रेस कर देना है ब्लू बटन। अब यहाँ बोल रहा है आर यू वांट टू सेव, तो इसको कर लें आप सेव। सेव करने के बाद अब आप देखें यहाँ अभी तो सिग्नल इंटेंसिटी और क्वालिटी जीरो दिखा रहा है, बट चैनल सर्च करने के बाद वो सिग्नल्स भी वापस आ जाएंगे। अब यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं, देख लें दोस्तों। सबसे पहले स्कैन टाइप है, तो सिंगल सैटेलाइट सर्च है, सिंगल सैटेलाइट हमने ऐड भी किया है, जी सेट ऐड किया है। FTA ओनली ही रखते हैं, तो FTA ओनली के अलावा अगर आप नो करते हैं तो बाकी चैनल्स भी कुछ सर्च होंगे, बट आप वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो एनक्रिप्टेड चैनल्स रहेंगे। तो इसको हम यस ही करते हैं। स्कैन चैनल में अगर रेडियो, TV दोनों चैनल्स रखना चाहते हैं दोनों रखिए, एक रखना है तो एक ही रखिए। तो हम दोनों ही रखते हैं, TV प्लस रेडियो। ये पिछला एक वीडियो हमारा जो मैंने बनाया था उसमें भी मैंने सर्च करने का तरीका बताया था, तो उसमें आप एक ही रख सकते हैं चाहे तो दोनों भी रख। स्कैन मोड में ब्लाइंड स्कैन ही रखिए और इसके बाद आप वापस आके सर्च पर ओके कर दीजिए। थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों, चैनल्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, चैनल्स अपडेट हो रहे हैं। चैनल्स अपडेट होते ही आपको चैनल्स की लिस्ट दिखने लगी। आप देख सकते हैं दोस्तों DD फ्रीडिश में जो फ्री चैनल्स, यानी कि जो DD फ्रीडिश में स्लॉट्स में चैनल्स है, यहाँ वही अपडेट होंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने FTA ओनली ही सेलेक्ट किया है। इसके अलावा कोई फालतू का पेड चैनल नहीं आएगा जो कि आप देख नहीं सकते हैं। तो अगर आपके सेटअप बॉक्स में भी कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो बिना मतलब के ऐड हैं, जब आप परचेज करके लाए थे वो पहले से ऐड थे और वो बार बार चैनल सर्च कर रहे हैं और वो चैनल्स बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाते हैं, और जो जेन्युइन चैनल्स हैं जो आपको देखने चाहिए वो नहीं देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से दोस्तों आप उन चैनल्स को या फिर आप डिलीट कर सकते हैं अपने सारे ट्रांसपॉन्डर्स को, सैटेलाइट जो आपके एडिटेड हैं आपके सेटअप बॉक्स में, उनको आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आप एडिट भी कर सकते हैं। ये जो तरीका मैंने बताया आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। अभी तक
33 रेडियो टीवी चैनल सर्च हो गए हैं, और भी चैनल्स दोस्तों ये धीरे धीरे सर्च कर लेगा। अब देख ले रेडियो चैनल्स भी सर्च होने लगे, सारे टेलीविजन चैनल्स भी आपके लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो इस तरीके का यूज़ करके दोस्तों आप आसानी से फ्रिक्वेंसी को एडिट कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, जो दाहिने साइड में ऑप्शंस दिख रहे थे, जो यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी मैंने लिया था, आप चाहें तो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज लेके भी चैनल्स को सर्च कर सकते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक चैनल्स आप खोजना चाहते हैं तो। लेकिन मैक्सिमम चैनल्स इसी सर्च में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 184 चैनल्स हो गए अभी तक सर्च में, 96% सर्च हो चुका है, 185 और 186। जी हाँ, तो 186 चैनल डीडी फ्री डिश के, यहाँ पे सारे चैनल सर्च हो गए हैं, 49 रेडियो चैनल्स मिले हैं। आप अब देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे ही आप मेन्यू करेंगे आपके पास वो सारे चैनल्स चलते हुए दिखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।